नमस्कार, मैं विमल कुमार, मैं आज बक्सर की सड़कों पे हूँ। बक्सर में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ युवा जो है वो इस सड़क के किनारे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में तमाम शिक्षक जो डीएलएड कर रहे थे वो लोग धरने पे हैं और उन्हीं के समर्थन में आज बक्सर के छात्र युवा सड़क पे बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ है हम जानते हैं इन छात्र नेताओं से और इन शिक्षकों से। हमारी मांग है कि हमारा जो एनआईएस डीएलएड ने जो डीएलएड का कोर्स कराया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्ष का, अब उसको वो 18 महीने के लोग कह रहे हैं। इससे पहले आप जब जानते थे कि हमको अमान्य करना है तो फिर इस डिग्री को दिए क्यों? एक विद्यार्थी को 50,000 रुपया तकरीबन पड़ा है इस कोर्स को पूरा करने में, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह अपने जीवन का 2 बरस, अमूल्य 2 बरस खो दिया। कि सरकार की नीतियाँ जिस तरीके से बनती हैं और जिस तरीके से लगातार बदलती हैं उससे आज देश के युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार ने 2 साल पहले जो घोषणा की थी उसके अनुसार हम लोगों ने इस कोर्स के लिए आवेदन किया, इस कोर्स के लिए पैसे खर्च किए, इस कोर्स के लिए समय खर्च किया, अपना काम धंधा छोड़ करके हर शनिवार और रविवार को कक्षाएँ हमने की, और अंक पत्र प्राप्त करने के बाद जब हमारी बारी आई रोजगार प्राप्त करने की तो सरकार कह रही है कि भाई आपकी डिग्री ही अमान्य है। अब जब हम लोगों ने डीएलएड रात रात भर जग के उस पर मेहनत करके अपना अंक प्रमाण पत्र जब पाया तो आज यही सरकार कह रही है कि अमान्य है क्योंकि आपने इंटर्नशिप नहीं किया गया। उस टाइम में कहा गया कि ऑलरेडी आप इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं, आप कोई ना कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यूडैश वाले स्कूल से यूडैश कोड दे के ही नामांकन लिया गया था। जिस तरह से यह केंद्र सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार, इन 14 लाख लोगों को इसका चुनावी मुद्दा भी वो चुनाव में बनाए थे, ताकि आप मीडिया के लोग हैं इसको जानते भी होंगे कि नरेंद्र मोदी जी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाए कि हमने विश्व स्तर पर भारत में 14 लाख लोगों को एक साथ में रोजगार देने जा रहा हूं। और जो इस तरह से अभी तक आज़ादी के बाद और इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ था कि अपने ही सरकार अपने ही किए हुए कार्यों को और कहे कि यह गलत चीज़ है। करीब डीएलएड के छात्र 14 लाख जो एक तरह सरकार डिग्री देकर और डिग्री मान्य कर और इतना मेहनत और कठिन से छात्र डिग्री किए, उसके बाद सरकार ही अवैध कर दी, डिग्री के अवैध कर दी, और इसलिए पूरी भारत में नौजवान छात्र जो सड़क पर उतर कर और हज़ारों की संख्या में, और इस मुहिम को मैंने पूरी बिहार तक हम लोग चलाएंगे कि उन लोगों की डिग्री मान्य हो। सरकार जो इस तरह का घटना करती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी तरह का डिग्री प्रदान करते हैं और ये जो डिग्री है वो एक बेसिक बाध्यता प्रदान करती है कि आप इस डिग्री को पा करके आप एजुकेशन में शिक्षक बन सकते हैं, बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। तो अगर सरकार गैर जिम्मेदारी पूर्वक आपको डिग्री प्रदान करके आप पुनः कह दे कि नहीं ये मान्य नहीं है, तो जिन लोगों ने समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, पता नहीं कितने लोगों ने कहीं से लोन ले करके, किसी से पैसा उधार ले करके डीएलएड की डिग्री हासिल की ताकि हम रोज़गार पा सकें, और आप देख रहे हैं कि सरकार जो है बहुत ही अमान्य तरीके से उसको गैर जिम्मेदारी पूर्वक निगलेक्ट कर देती है। पूरे 70 साल में पूरे 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड है अभी टूटा है इस सरकार के कार्यकाल में। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमें और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मनोबल को गिरा दे रही है। तो वो लगता है कि हमारे हाथ में कुछ लगा ही नहीं, पढ़ लिख करके हम लोग बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। इसके सवाल पर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी पटना गर्दनीबाग में आज 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। न केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि, न राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि, न किसी शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि वहाँ पूछने का काम किया कि आप लोगों की मांग क्या है। यानी आपके देश के लड़के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और आप ही के डिग्री को लेकर के जब आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पास आपकी डिग्री मान्य नहीं है, आप अपनी ही डिग्री को अमान्य बता रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि ये एनआईएस डीएलएड की डिग्री को मान्य करके बिहार शिक्षक नियोजन में इन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए ताकि देश से बेरोजगारी खत्म हो और युवा आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह राजनीतिक और अवसरवादियों का देश बन के रह जाएगा। और यह अंतिम चेतावनी है कि अगर बिहार के सुशासन बाबू और केंद्र के झूठा प्रधानमंत्री
अगर अपने डिग्री दिए हुए डिग्री को वापस लेकर अगर मान्य नहीं कर रहे तो यह नौजवान चैन के नींद सोने वाले नहीं है। और जब नौजवान जिस देश के जिस जिले के जिस राज्य के अगर नौजवान चैन से नहीं सो रहा है तो उस जिले के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी को नींद लगना हमें लग रहा है कि हराम का काम है। सबको उतरना चाहिए और सबको यह काम करना चाहिए। इसलिए मैं इस नौजवानों के पक्ष में उतरा हूँ और इन लोगों की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। अनवरत यह लड़ाई जारी रहेगी डिग्री के मान्य होने तक, क्योंकि डिग्री भारत सरकार की है, भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार जो है किसी की जागीर नहीं है, वह देश की जनता की अमूल्य संपत्ति है, जनता इसकी मालिक है और जनता ही इसका फैसला करेगी, आपसे अपना अधिकार लेके रहेगी। अदरवाइज हम लोग इस लड़ाई को सड़क से संसद तक पहुँचाने का बक्सरवासी ये जिम्मेवारी लेते हैं। डीएलएड के साथियों के समर्थन में है जो कि पटना में 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनके समर्थन की सरकार उनकी मांगों को सुने और जो डीएलएड का जो डिग्री रद्द करने जा रही है उसको मान्य करे। ये सरकार की ही नीति के तहत डीएलएड का डिग्री दी गई है और जो बीएड के जैसे कि इससे पहले बीएड साल भर का कोर्स होता था, इधर ही मतलब कि 13-14 में 2 वर्ष का कोर्स हुआ और डीएलएड का जो कोर्स 2 वर्ष का है और ये मतलब कि डीलेज के जो टीचर का ट्रेनिंग मतलब किए हैं उनको मतलब कि 2 साल का जो समय बर्बाद हुआ और इसमें समय लगाए उनका मतलब कि हरियाणा कौन देगी।